योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को देवरिया के सलेमपुर तहसील में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम घूस ली जा रही है। फाइल निकालने से लेकर के किसी भी भूलेख पेपर का रेट यहां पर बाकायदा तय है। बिना पैसा दिए यहां कोई काम नहीं होता है। तहसील ऑफिस में कानूनगो ने अपनी अपनी कुर्सी के पास एक प्राइवेट कर्मचारी यानी कि एक दलाल रख रखा है। बाकायदा ये दलाल इनके बगल में कुर्सियों पर बैठकर फाइलों का निपटारा करते हैं और लोगों से धन उगाही करते हैं, या यूं कहें कि पैसा वसूलते हैं। इनका कोई वेतन नहीं है, ये रोजाना मोटी कमाई करते हैं और इस विभाग के अधिकारी और ये दलाल मिलकर इस काले कारनामे को रोजाना अंजाम दे रहे हैं। ये सब मिलकर मलाई काटते हैं और तहसील के जिम्मेदार अधिकारी ये सब जानकर भी अनजान बने रहते हैं। तो बड़ी जानकारी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अधिकारियों के साथ। देखिए किस तरीके से जो दलाल है वो मौजूद है और बाकायदा रेट पहले से ही हर चीज के तय है। घनश्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। घनश्याम, क्या कुछ ये पूरा मामला, क्योंकि खुलेआम रिश्वत ली जा रही है तहसील सलेमपुर में? जी, आपको बता रहे हैं कि ये जहां योगी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही, वही पे देवरिया में, अगर देवरिया एक तो नजारा है, इसके बाद देखा जाए तो प्रत्येक तहसीलों में यही हाल है कि जहाँ पे एक प्राइवेट बाबू अपना जो फाइल निकालता है उसका सब पैसा लेता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बाबू है वो मिले हुए हैं, उनके पैसे सीधे नौ पकड़ के अपने दलालों के माध्यम से पैसे लेते हैं। उनकी फाइलों का फिक्स है कि कितनी फाइल पर कौन सी फाइल निकालेंगे, कितने पैसे लेंगे, और इसके बावजूद भी जो वहाँ मौके पर जो जिम्मेदार अधिकारी है, सीएम तहसीलदार, वो भी बैठे रहते हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे ही ये जो खुलेआम दलालों का अड्डा, जो खुला दलालों के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी के काम पर जू नहीं रह रहे हैं। यही तो एक नजारा है। अगर इस तरह देखा जाए तो लगभग जितनी तहसीलें हैं, तहसील की बात, शाम मैं आपको इस बीच यहाँ पर रोक रहा हूँ। इस बीच हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ रहे हैं जो कि एसडीएम है। आप ओम प्रकाश जी, कुछ जानकारी मिल रही है कि तहसील सलेमपुर में पूरा धन उगाही चल रही है, वहां पर जो लोग जा रहे हैं उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, तस्वीरों में भी दिख रहा है, क्या कहेंगे इस मामले में? जो एक वीडियो की बात हुई है उसकी जांच मैंने तहसीलदार सलेमपुर को दिया है, जो ही जांच रिपोर्ट आती है संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कैसे पहुंच जा रहे हैं वहां पर, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इससे पहले भी इस तरीके की जो शिकायतें आई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से इतनी आसानी से यहाँ पर इस तरीके से पूरा खेल हो रहा है? ओम प्रकाश जी, पब्लिक का जो है जाना आना ऑफिस में तो रहता ही है, अब इसी की जांच कराई जा रही है। क्या कार्रवाई ओम प्रकाश जी इसमें करेंगे आप? वो रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा। चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कार्रवाई की जाएगी, चूंकि मामला संज्ञान में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहुंच कैसे जाते हैं यहां पर, किस हैसियत से ये यहां पर मौजूद रहते हैं, वो शख्स जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी खुले आम यहां पर धन उगाही चल रही है और फाइल निकालने के लिए बाकायदा रेट तय है। और अब एसडीएम को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अब मामला चूंकि संज्ञान में है इसलिए अब इस पर वो कार्रवाई करेंगे। घनश्याम हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। घनश्याम, एसडीएम कह रहे हैं कि अब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या इससे पहले भी इस तरीके के वाकये आए हैं, और अगर है इस तरीके से वहां पर, क्योंकि पहले से भी अगर ऐसा चल रहा है, तो कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या हुआ है? घनश्याम जी, आपको बता दें कि ये तो एक नजारा है। इसी तरह शहर में पूरे जितनी तहसीलें, जिले में जितनी तहसीलें हैं, या तहसीलों की बात करें या विभागों की बात करें, हर विभागों में प्राइवेट आदमी, बाबू जो भी बाबू है, बड़ बाबू, कार्गो, जो भी स्तर के अधिकारी हैं, वो एक अपना मातहत प्राइवेट आदमी रखे गए हैं, क्योंकि सामने से वो पैसा अपने न पकड़ के उनके थ्रू पैसा लेते हैं। और पैसे की बात आए तो ये तो अभी एक कैद हुआ, इसके साथ अगर देखा जाए तो, अगर इसकी क्लास चेक किया जाए तो, हर जांच कराई जाए तो हर ऑफिसों में प्राइवेट आदमी पाए जाएंगे। जी घनश्याम, क्या आपने जानने की कोशिश की वहां पर मौजूद वो जो बाबू थे, आखिर किस हैसियत से इन दलालों को यहाँ पर इन्होंने बिठा रखा था, क्या उनकी तरफ से कहा गया, क्या कुछ वो जवाब दे पाए कि आखिर ये जो धन उगाही है किस आधार पर क्यों हो रही है, इस विषय में कुछ कहा गया उनकी तरफ से? जी, आपको बता दें कि जब उन मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि काम का बोझ है इसलिए प्राइवेट आदमी को रखते थे। ये जब हम सवाल किए कि आखिर इसके पैसे कहाँ से आते हैं, क्या किस आधार पर उसको रखा गया है, ये गोपनीय पत्र है, कोई भी कागज इधर से उधर, उनका कहना है कि हमारे पर भार पड़ रहा है इसलिए मैं अपना एक प्राइवेट आदमी रखा हूँ, उससे काम कराता हूँ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। जी घनश्याम, कितनी संख्या में ये प्राइवेट लोग रहे होंगे खाली, अगर तहसील सलेमपुर का ही हम लोग जिक्र करें, और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है कि आपने अन्य लोगों से भी बातचीत इस विषय को लेकर की होगी? जी, आपको बता दें कि अगर एक ऑफिस की बात बता रहे हैं, अभी तहसील परिसर में देखा जाए तो हर कार्यालय में प्राइवेट बाबू का जमाना है,
और इतने नहीं, अगर सलेमपुर की बात तो एक सामने आई है, लेकिन अगर इसी तरह हर तहसीलों में देखा जाए, जो हमारे यहाँ 5 तहसील है, 5ों तहसील में देखा जाए तो प्राइवेट बाबुओं की भरमार पड़ी हुई है। अपने सरकारी बाबू जो है उनके अपने प्राइवेट के माध्यम से वो जो भी है दलाल पाले हुए उनसे पैसा लेते हैं। जी चलिए घनश्याम, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन उसकी तस्वीरें कैसी हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देवरिया के अंदर सिर्फ एक तहसील नहीं, लगभग सभी तहसील में इसी तरीके से धन उगाही का खेल चल रहा है। और अब SDM कह रहे हैं कि इसमें जांच के बाद कार्रवाई होगी। देखना यह है कि इसमें कार्रवाई आखिर क्या की जाती है।